नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी अब पूरे तरीके से एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पटना पहुंचते हैं और उन्होंने बिहार का दौरा किया और साथ ही साथ यहां के युवाओं से उन्होंने मुलाकात की। वहीं बताते चले कि आज वो जगत नारायण रोड स्थित जेपी निवास पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने माला अर्पण किया। जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिहार की जनता पुनः एनडीए की सरकार बनाएगी। वहीं हमने जब उनसे बात की कि बिहार में युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर, उनका कहना है कि अगर हमारी कैबिनेट हम सरकार में आते हैं और हम सबसे पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उस बात पे उन्होंने साफ तौर पे कुछ ना कहा और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। विधानसभा चुनाव में किस तरह से युवाओं को चुनाव की तरफ आकर्षित करेंगे और क्या कुछ योजनाएं हैं? क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी कहना है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आज मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का इस घर, जो भारत में लोकतंत्र बचाने वाले क्रांति, संपूर्ण क्रांति का मंदिर है, इधर आने का मुझे मौका मिला है। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ी सौभाग्य मानता हूँ। जेपी जी और संपूर्ण क्रांति और बिहार के युवा भारत में लोकतंत्र बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भारत में लोकतंत्र है, वो सिर्फ जेपी जी के और संपूर्ण क्रांति में भाग लिया बिहार के युवाओं का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा जयप्रकाश नारायण जी का और उनकी जीवन का, मूल्यों का आत्मसात किया है और हर कदम पे उनका, मूल्यों का आधार करते हुए हम काम करेंगे। आज भारत में कई राजनीतिक पार्टियां जो जेपी जी के नाम लेते हैं वो परिवार के दुकान जैसे बन चुके हैं। भारत में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो सही महीने, सही दौर से वास्तव में लोकतंत्र को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह पे लोकतंत्र का पालन करता है। इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सामान्य परिवार से जो आता है युवा, उन सब को समान मौका, समान स्थान और समान संभाव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में ही मिल सकता है। जेपी जी का जो उद्घोष था कि सत्ता, संपत्ति और सम्मान के ऊपर सभी का अधिकार होगा, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का गाइडिंग फोर्स है। मैं इस चुनाव के दौरान जेपी जी का जो लोकतांत्रिक मूल्य है और अंत्योदय का और सर्वोदय का जो मंत्र है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार में हो सकता है। वो मुद्रा योजना हो, नए इंडस्ट्रीज़ खोलना हो, हर घर तक पानी पहुंचना हो या हर घर तक बिजली, ये सभी जेपी जी का सर्वोदय के उद्देश्य के जुड़ा है। हम ये वादा करता है कि बिहार के सभी युवाओं के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में हम सभी लगातार प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो आपने
तो आपने सुना बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिहार की जनता पुनः एनडीए की सरकार बनाएगी। वहीं जब हमने उनसे बात की कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के लेकर बेरोजगारी के लेकर बात कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर इनकार कर दिया और कैमरे के सामने बिना कुछ बोले ही निकल गया। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार जो बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में लगातार जो जारी है, इसका फ़ायदा कौन से दल को होता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।